बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बयान फरमाया है और मेक श्योर कि इसका अलमा हमें होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जरा सा भी स्किप ना करें। ये है वो बात कि वाइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीम। ऐ नबी, जब मेरे बंदों की रूहें बेदाग हो जाए, तवाना हो जाए, हयात ताज़ा से वो हमकिनार हो जाए और फिर वो मेरे बारे में पूछे, वो मेरा तकर्रुब हासिल करना चाहते हैं, तो आपसे पूछे तो कहिए मैं करीब हूं। उजीबो दावत दाइजादियान, ये है वो दुआ, मैं हर पुकारने वाले की पुकार, हर दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूं, कबूल करता हूं, जवाब देता हूं, जहां कहीं भी मुझे पुकारे। इजादान, इसमें दर हकीकत वो मफहूम आ गया है, देयर एंड देन, देयर एवर। आप अपने घर में होकर पुकारे अल्लाह को, आप बिस्तर पर लेटे हुए पुकारे अल्लाह को। लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन वा क़ुऊदन वा अला जुनूबिहिम, हाँ ठीक है, बाज़ मक़ामात बाज़ औक़ात क़ुबूल दुआ के लिए ज्यादा साज़गार है, हरम में जाकर दुआ मांगी जाए और मिना में अरफात में खासतौर पर, जबल रहमत पर खासतौर पर, मुल्तज़िम जो है काबे का उस पर खासतौर पर, वह याम भी है खास, लेकिन यह नहीं है कि बकिया दिनों में आपके और अल्लाह के दरमियान को बड़ा फासला है। ये सारा दुनिया में मुशरिकाना निजामों ने तसव्वुर पैदा किया, अल्लाह तो दूर है दूर है दूर है दूर है, पाक है पाक है पाक, तुम ना पाक हो ना पाक हो ना पाक हो, और तुम तो बड़ी पस्ती में पड़े हो, तुम अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम नहीं हो सकते, कोई दरमियानी चाहिए, कोई लिंक्स चाहिए, कोई पुजारी होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई पंडित होगा, कोई पीर होगा, कोई कोई पादरी होगा, कोई पोप होगा, उसके जरिए से तुम अल्लाह से हम कलाम हो, खुद नहीं। और जब जरिए बीच में आ गए तो इनकी मुट्ठी गर्म करो, इनकी चापलूसी करो, इनको भी जो है चादरें चढ़ाओ, इनको नजराने पेश करो। ये है बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन जो मजहब के जरिए से नौ इंसानी की हुई। ये दो एक्सप्लॉयटेशन दुनिया में हुई है तारीख इंसानी में, एक बादशाहों की तरफ से, खराज दो हमें, मेहनत तुम करोगे खेत में, आधा हिस्सा हमारे पास आएगा, हम ऐश करेंगे, हम स्टैंडिंग आर्मीज रखेंगे ताकि जरा तुम बगावत करो तो तुम्हारा सर कुचल दिया जाए। ये एक्सप्लॉयटेशन बदतरीन, मांगने वाला गधा है, सदका मांगे या खराज। दूसरी तरफ हम बादशाह हैं, हम चंद्र बंसी सूरज बंसी खानदान हैं, हम राजपूत हैं, हुकूमत करना हमारा हक है, और ये पंडित पुरोहित जो है वो भी कहेंगे कि ठीक है, निस्फुल्ली व निस्फुल्लक बहादा कौम जाहिलून, ये आवाम जो है इनका खून चूसो, हमें ये नजराने पेश करें, बुतों को आके चढ़ावे चढ़ाएं और तुम्हें खराज दें और टैक्स दें, दे आर टू बी एक्सप्लॉयटेड, एक्सप्लॉयट हो। इस्लाम ने आकर दोनों का खात्मा किया, कोई मलूकियत नहीं। ज़कात है तो गुरबा के लिए, बादशाह के लिए नहीं है, ये तो गुरबा के लिए, लिहाजा कोई टैक्स नहीं। नंबर दो, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए किसी दरबान, किसी जो है पहरेदार की मुट्ठी गर्म करने की जरूरत नहीं।